पिता जैसे ही कही है चिंता तो तुम्हें नहीं मालूम, सुनो मेरी बात। चिंता जीवन को खाती है, जवाब दिया चिंता है। चिंता किस बात की है? जवाब दिया सुनो मेरी बात। आज से चिंता मत करना। क्यों? जवाब दिया संतान हो जाएगी। जवाब दिया बिल्कुल हो जाएगी। अरे मैं नहीं चाहते मेरी संतान केवल नाम के लिए हो जाए और हो जाने के बाद में खत्म हो जाए। मुझे दुख नहीं, केवल के लिए बस हो जाए। हरिचंद्र की एक संतान थी। जवाब दिया तुम जाओ, एक काम करना पड़ेगा। जवाब दिया क्या? जवाब दिया तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा और यज्ञ में उस बालक की बलि चढ़ानी होगी। जवाब दिया मुझे मंजूर है। तो जवाब दो जाओ, लौट जाओ। जैसे ही हरिचंद्र वापस आए, कहते हैं ना समय समय व्यतीत हुआ। समय समय व्यतीत होने के बाद में जब मैया तारा के प्रसव की पीड़ा आई तो पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ तो विद्वानों के द्वारा जब नामकरण संस्कार करवाया गया उस बालक का नाम रख दिया रोहतास। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ वरुणदेव आ गए। जवाब दिया हरिचंद्र, बोलिए स्वामी जी। हरिचंद्र मेरा यज्ञ कब हो रहा है? मैंने ये सुना आपके आंगन में बालक ने जन्म ले लिया है। जन्म तो ले लिया है महाराज, तो मेरा यज्ञ कब हो रहा है? अभी बच्चा छोटा है, उसकी मैया रो रो के मर जाएगी। अभी हम यज्ञ में चढ़ाएंगे तो महाराज कुछ बड़ा हो जाने दो। जब उसके दांत निकल आएंगे ना तब हम आपका यज्ञ करें। मेरे श्रोताओं, वरुण देव वापस लौट गए। पहली बार झूठ बोला, पहली बार। जब बालक के दांत निकल आए तो वरुण देव फिर आ गए। जवाब दिया वे हरिचंद्र, ओए हरिचंद्र। बोलिए स्वामी जी, मुझे ये बताइए मेरा यज्ञ हो रहा है कि नहीं? बालक के दांत भी निकल आए महाराज। हाँ हमने ये दांत थोड़ी बताए। कौन से दांत बताए? इसके बाद निकलेंगे महाराज, दोबारा दांत निकले। दो बार झूठ बोल गए। जवाब दिया अब तो यज्ञ करना ही होगा। जैसे ही मैया को तारा को जैसे ही पता चला तो मैया तारा ने पुत्र की कलाई पकड़ी और आंगन में जवाब दिया बेटा अरे भजी भज जाइए
शब्द जैसे ही पुत्र रोहतास ने सुने, पुत्र रोहतास जंगल में जैसे ही भागे तो हुआ क्या मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही